हेलो फ्रेंड्स, सभी को राम राम। वेलकम है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह मैं आपके लिए लेके आई एक बहुत ही अच्छी वीडियो, जिसमें मैंने शेयर किए छोटे छोटे टिप्स एंड हैक्स, जिससे बहुत सारे ऐसे जुगाड़ू टिप्स हैं जिसे आप यूज करके अपने डेली के कामों को बेहद आसान बना सकते हो और आपका समय की भी बचत होता है, समय के साथ साथ आपके पैसों की भी बचत होगी। तो ये वाले टिप्स आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी है, क्योंकि गर्मियां आ रही हैं, तो आप लोग ये वाले टिप्स एक बार जरूर देखिए। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलना, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि ये वाले टिप्स उन तक भी पहुंचे और वो लोग भी टिप को यूज कर पाए। तो देर किस बात की, चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड, यहाँ पे मैंने साबुन ले लिया है। साबुन तो हम सभी लोग नहाने में या फिर हैंड वॉश करने में यूज करते हैं, लेकिन इस साबुन का इस्तेमाल हम कुछ अलग तरीके से करने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे कि साबुन का इस्तेमाल हम किस चीज़ में करेंगे, तो बहुत ही अच्छा चीज़ है ये, आप लोग के बहुत ही काम आने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, चैनल में जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मेरी वीडियो आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। तो मैं साबुन किस चीज़ में यूज करूँगी, यहाँ पर मैंने लाइफ बॉय साबुन ले लिया है। लाइफ बॉय साबुन, डिटॉल साबुन, यही सब आपको ऐसे ही साबुन यूज करने हैं जो आपके बहुत ही काम आने वाले। यहाँ मैंने साबुन को जो लिया है उसको हल्का सा गीला कर लिया, क्योंकि गीला होने पे ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा, जिससे हम जिस काम में यूज करेंगे ना वो बहुत ही आसानी से हो जाएगा और बिल्कुल भी हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, चलते हैं हम बताते हैं कि साबुन को हम किस चीज़ में और किस लिए यूज करने वाले हैं। तो हम सभी के घर में अभी गर्मियाँ आ रही हैं, तो क्या होता है कि मच्छर मक्खी ऐसे बहुत सारे होते हैं, मच्छर तो ज़्यादातर आ जाते हैं, और किसी किसी के घर में जाली वाला दरवाज़ा लगा होता है फिर भी जाली के अंदर से आ जाता है। लेकिन अगर जाली वाला दरवाज़ा नहीं है, यही वाला दरवाज़ा है, फिर भी आप यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास जो साबुन है डिटॉल का या लाइफबॉय का साबुन, अपने दरवाज़ों के किनारों साइड में अच्छे से लगा देना है, आराम से लग जाता है, बिल्कुल भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। हमारा साबुन गीला होने पर ना सॉफ्ट हो जाता है, तो आप लगाते जाओगे और ये आराम से सारे दरवाज़ों में, खिड़कियों में, जितना जहाँ जहाँ से आपको लगता है कि मच्छर और मक्खी आते हैं ना, वहाँ वहाँ पर आप ऐसे आराम से लगा दीजिए। आप देखोगे कि आपके घर में ना बिल्कुल भी मच्छर और मक्खी कुछ भी नहीं आएंगे, और आपके घर में ना बहुत ही अच्छे से रहेंगे। क्योंकि मच्छर जब आ जाते हैं तो बहुत सारे घर में सदस्य होते हैं, किसी किसी को क्या हो जाता है ना, मलेरिया वगैरह हो जाती है। तो आप ये वाला घरेलू उपाय करके अपने घर को अच्छे से साफ सुथरा भी बना सकते हैं और बाहर से कोई भी प्रोडक्ट वगैरह नहीं लानी पड़ेगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलते हैं हम अपनी अगली टिप्स देख लेते हैं। अगली टिप्स क्या है, ये है हमारी सेफ्टी पिन जो होती है, जो हम बालों में लगाते हैं। ये पिन हम सभी लेडीजें यूज करती हैं, लेकिन इस पिन का इस्तेमाल हम कुछ अलग तरीके से करने वाले हैं। आप लोग सोच भी नहीं सकते हो हम किस चीज़ में यूज करेंगे। तो क्या करना है आप लोगों को, चलते हैं हम बताते हैं कि सेफ्टी पिन को किस चीज़ में यूज क्या करना है। होली का त्यौहार आ रहा है, तो हम सारी लेडीजें अपने ससुराल में जाते हैं, जिससे क्या होता है हमें सर से चुन्नी लेनी पड़ती है, और बार बार हम चुन्नी को डालते हैं या फिर साड़ी वगैरह को, तो बिल्कुल भी टिकता नहीं हमारे सर पे, बाल बाल पीछे खिसक जाता है और हमें बड़ी परेशानी। हम सोचते हैं कब हम जल्दी से यहाँ से चले जाएँ। तो एक अच्छा तरीका मैं बताऊँगी कि जिससे आपकी चुन्नी बिल्कुल भी इधर उधर सरकेगी नहीं, आराम से आपके सर पर टिकी रहेगी, आप कितना भी लंबा घूंघट करना चाहो। आपको चुन्नी को ऐसे फोल्ड कर लेना है और आपको लेना है सेफ्टी यही वाली पिन। आपको पिन को अच्छे से अपने बालों में, मैं लगा के दिखा रही हूँ, इस तरह से लगाना, जिससे आपका पता भी नहीं चलेगा कि हमने पिन लगा रखा है, और आपके पल्लू जो है ना सर पे आसानी से टिके रहेंगे, बहुत ही आसानी से टिके रहेंगे, और बिल्कुल भी किसी को पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि क्या होता है ना, ससुराल में जब जाते हैं तो हमें चुन्नी लेनी ही पड़ती है। यहाँ पे मैंने चुन्नी को लगा लिया, उसके बाद में जब आप पल्लू करोगे ना, तो आपके पल्लू बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेंगे, आपके सर पर ही टिके रहेंगे। तो बहुत ही अच्छा तरीका है। आप सारी लेडीजें जब कभी भी आपको चुन्नी लेनी हो सर से या साड़ी की पल्लू लेनी हो, तो अच्छे से आप ले सकते हो ये वाला आइडिया लग के। तो बहुत ही अच्छी टिप्स है, वीडियो पसंद है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल के साथ इस तरह के कैंडल को लेकर, क्योंकि गर्मियां आ रही हैं तो हम सभी के एरिया में लाइट जाना स्टार्ट हो जाता है और हमको फिर कैंडल जलाना होता है। तो क्या होता है, जब हम कैंडल को जलाते हैं तो हमारी ये कैंडल ना बहुत जल्दी जल्दी जल जाती है और बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। और क्या होता है कि जब नीचे चूके आता है तो ऐसे कैंडल की जो ये होती है ना, नीचे नीचे गिरता है और हमारे फर्श भी खराब हो जाते हैं। जहां कहीं भी रखते हैं फर्श पे, अलमीरा पे, या फिर हम गैस के पास कहीं भी कैंडल को रखते हैं, तो हमारी फर्श भी खराब हो जाती है, जिसको हमें इससे रगड़ के छुड़ाना भी पड़ता है और बहुत सारी प्रॉब्लम भी होती है, और हमारी कैंडल भी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, क्योंकि वो जलती रहती है जिससे वो हमारी कैंडल खत्म हो जाएगी। तो ऐसा क्या हम करें कि जिससे हमारी कैंडल बिल्कुल भी जल्दी खत्म ना हो और फर्श पे जो ये गिरते हैं ये भी गिरे ना और आसानी से छूट जाए। तो क्या करना है आपको, जब कभी भी आपको कैंडल जलानी हो, क्योंकि गर्मियां तो आ ही रही है, तो लाइट जाना, तो लाइट चली जाती है और फिर हमें मोमबत्ती यूज करनी पड़ती है। तो इसीलिए हम बहुत ही अच्छा तरीका बताएंगे जिससे आपकी मोमबत्ती ना काफी लंबे समय तक जलेगी और बिल्कुल भी आपके फर्श पे गंदगी नहीं होगी और आराम से छूट भी है। तो क्या करना है, हमने
आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने मोमबत्ती को ले लिया है। उसके बाद में आपको लेना है सरसों का तेल। सरसों को तेल को लेकर ना अपने मोमबत्ती पे सब तरफ अच्छे से लगा देना। ये जो सरसों का तेल होता है ना, ये हमारा बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने, आपको बस ही सरसों का तेल ही लेना है। अच्छे से इसको अपने अपनी मोमबत्ती के चारों तरफ लगा देना है। और क्या करना है कि जहां पे आपको मोमबत्ती लगानी है ना, उस एरिया में भी थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लगा देना है। उसके बाद आप देखोगे कि क्या कमाल होने वाला है कि आपकी कैंडल भी बहुत ही अच्छे से जलेगी, बिल्कुल भी गिरेगी नहीं, जो नीचे गंदगी फैलती है, और आपकी मोमबत्ती ना लंबे समय तक जलेगी। तो यहाँ पे मैं इसको यूज करने जा रही हूँ, आपको बताती हूँ कैसे करना है। अब देख सकते हैं कि हमारी मोमबत्ती ना कितना पहले से भी ज्यादा तेज रोशनी भी दे रही है। अब जितने भी इसमें ऑयल लगाया है मैंने ना, यहाँ नीचे रखने वाली की जगह पे और मोमबत्ती में लगा, ये मोमबत्ती हमारी, जैसे आपकी मोमबत्ती आधे घंटे जलती थी, तो ये अब हमारी मोमबत्ती कम से कम डेढ़ घंटे तो जलेगी ही जलेगी, और हमारी इसकी रोशनी भी तेज हो गई, क्योंकि तेल की लगाने की वजह से इसकी रोशनी ना काफी तेज हो गई है। और नीचे जो हमारा ये पिघल के गिरेगा, क्योंकि हमने नीचे तेल लगा दिया, तो ये आसानी से आप थोड़ा सा भी हटाओगे तो आसानी से छूट जाएगा, बिल्कुल भी ये आपके फर्श में चिपकेगा नहीं। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, आप लोग भी इस गर्मी में अच्छे से यूज करके जरूर देखना, क्योंकि मोमबत्ती हमारी खत्म हो जाती है तो बार बार हमें मोमबत्ती को लाना पड़ता है। तो आप तेल लगा के यूज करेंगे तो आपकी मोमबत्ती जल्दी खत्म भी नहीं होगी, खासकर तो आपकी गंदगी नहीं फैलेगी, जिससे आपका काम बढ़ता है। तो बहुत ही अच्छा तरीका है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। चलते हैं अपनी अगली टिप्स देख लेते हैं। साथ ही इस तरह के कंगन को लेके, जो हमारे ऐसे महंगे महंगे कड़े वगैरह बैंगल्स वगैरह होते हैं और हम लोग वेयर करते हैं, क्योंकि बाहर वगैरह कहीं जाना होता है तो हम ऐसे महंगे महंगे बैंगल्स वगैरह यूज करते हैं। लेकिन क्या होता है, अगर हम कहीं जाते हैं किसी अपने गेस्ट के यहाँ, तो फिर हमें काम तो करना होता है, या फिर हम घर में ही कभी फेस्टिवल में यूज करते हैं तो फिर पहन लेते हैं। फिर क्या होता है कि बर्तन धोने जाते हैं तो हमारे ये कंगन, सोचते हैं हमारा कंगन खराब हो जाएगा, बिल्कुल भी पहनने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसे जो ये स्टोन वाले होते हैं ना, एक दो बार बर्तन धोने पर ये हमारे सारे खराब हो जाते होते। इसीलिए क्या करें ऐसा कि हमारे कंगन भी ना खराब हो और हमारे कंगन जैसे के तैसे रहें। तो आप लोग को क्या करना है, जब कभी भी आपको ऐसे कंगन वेयर करो तो आपको छोटा सा काम कर लेना है। तो देख सकते हैं आप लोग, मैं बता रही हूँ कितने अच्छे से आपका काम हो जाएगा और बिल्कुल भी आपके कंगन खराब नहीं होंगे। तो हम सभी के पास कुछ ऐसे रबड़ बैंड होते हैं जो हम यूज भी नहीं करते, अगर यूज भी करते हैं तो बस आपको क्या करना है, आपको रबड़ बैंड ले लेना है। अगर आपके नाप का है, कलर का मैचिंग है तो भी अच्छा, नहीं है तो भी चल सकता है। तो यहाँ पे मैंने रबड़ बैंड लेके उसके बाद में अपने कड़े के ऊपर अच्छे से इसको फंसा लेना। आप देखोगे कि जितना भी आप काम करोगे ना, बिल्कुल भी आपके कंगन खराब नहीं होंगे, जैसे के तैसे बने रहेंगे। आप चाहो तो ऐसे ही रख सकते हो, नहीं तो आप अपने कलर के हिसाब से भी ले सकते हो। तो आपके कंगन बिल्कुल सेफ रहेंगे, बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। बस आप क्या करिए, अपने पर्स में या फिर बैग में, कहीं भी घर में यूज करना तो भी आप बस झटाझट ऐसे पहने पहने अच्छे से इसको लगा लीजिए, जिससे आपके कंगन भी खराब नहीं होंगे। और अगर मोटे रिबन होंगे ना, तो एक साथ दो दो कड़े हमारे हैं तो हमारे कंगन ना खराब हो जाते हैं। तो ये वाला तरीका बहुत ही अच्छा है, आप लोग भी अपने घर में यूज कर लेना। बस आपको एक ऐसे रबड़ की जरूरत है, बहुत ही अच्छे से सेफ रहेगी, बिल्कुल भी गंदी नहीं होगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। तो फ्रेंड ऐसे थे कुछ हमारे छोटे छोटे टिप्स हैं जिसे आप यूज कर सकते हो अपने डेली के कामों में, और आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो चैनल में जो नए हैं, जो पहली बार आए हैं, वो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलना। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि ये वाले सारे टिप्स उन तक भी पहुंचे और वो लोग भी इस टिप को यूज कर पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छे से टिप्स एंड हैक्स लेके। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सभी को, राम राम, अपना ख्याल रखना।